नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं और सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बिहार के बक्सर में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और उस लाठीचार्ज के बाद काफी हिंसा भड़क उठी, आगजनी तक हुई है। मलिका जी नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि जोशीमठ में जिस तरह से आज अभियान हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, चिन्हित घरों को ढहाया जा रहा है, इसको लेकर वहाँ के लोगों में बेहद आक्रोश है और धरना प्रदर्शन का दौर वहाँ पर जारी है। इससे जुड़ी एक तस्वीर आगे आप तक पहुँचाएंगे। आशुतोष, शुक्रिया मलिका, शुक्रिया सही जी, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की जंग दिल्ली में देखने को मिल रही है। मेयर पद को लेकर ये सब कुछ तनातनी का दौर जारी है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन तफसील से आपको खबरों को पहुंचाएं उसके पहले रुख अर्पिता का। शुक्रिया आशुतोष, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बात होगी आरआरआर मूवी की भी, जिसने धूम मचाई है। कैसे मचाई है, कौन सा मिला है अवार्ड, आगे उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि बक्सर से आ रही है, जहां पर लाठीचार्ज के विरोध में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है। तो बिहार के बक्सर में किसानों का जबरदस्त हंगामा देखा गया है। दरअसल लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी, पुलिस के एक्शन पर ये किसानों का गुस्सा जो है वो फूटा, जिसके बाद आगजनी की तस्वीरें, तोड़फोड़ की तस्वीरें, पुलिस ने आपको बता दें आधी रात घर में घुसकर किसानों को पीटा था, जिससे नाराजगी इन लोगों ने जताते हुए आज अपना विरोध जताने का तरीका आगजनी और तोड़फोड़ को चुना है। जमीन के मुआवजे के लिए कई दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला, और संज्ञान को लेकर मामला हुआ है। हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। और एक और मामला है कि फर्टिलाइजर में उस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि कास्ट सेंसस गलत है और उसकी सुनवाई 13 जनवरी। नहीं, कहाँ से गलत है, ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधार गणना, और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती है। इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस सर्वे है, और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो हैं किस हालात में हैं। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा, तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो उसलिए ये बेहद ज़रूरी है, और कई राज्यों ने तो पहले कराया था, और हम लोग जो हैं उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है, 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है, तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब है, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है तो जो एक्शन हुआ अब उसका रिएक्शन दिख रहा है। सर, अब किसान जो है वो सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। अर्पिता जी, पिछले 5 महीनों से किसान जो है वो मुआवजे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन नहीं मतलब मांग कर रहे थे। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा, आगजनी हुई। 5 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा दें, जबरदस्त आगजनी। एक ट्रक को किसानों ने आग लगा दी, कई जली हुई गाड़ियों की तस्वीरें सामने आई हैं। बक्सर में जबरदस्त हंगामा हुआ है और प्लांट में आग लगा दी, कई गाड़ियों को फूंक डाला गया है, प्लांट में आग लगा दी गई है, और इन किसानों को काबू में करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। और ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें काफ़ी डराती हैं, क्योंकि कई गाड़ियों को एक साथ आग के हवाले कर दिया गया और वो पूरी तरह से खाक हो गई हैं। मुआवजा मांग रहे थे किसान, लगातार मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 5 महीनों से मांग कर रहे थे। कल रात पुलिस ने घरों में घुसकर किसानों और पुलिस के बीच हंगामे के बाद यह आगजनी हुई। बिहार के बक्सर में जबरदस्त बवाल है, पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज किसानों ने आगजनी की, गाड़ियों को फूंक दिया,
चौसा पावर प्लांट में तोड़फोड़ की। ये चौसा पावर प्लांट है, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज ये दहक चुका है। आज पूरा यहाँ पर किसानों के द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोग कहूँगा, जरा दिखाएं कि कैसे ये शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कैसे किसान रात भर उपद्रव करते रहे, पूरा का पूरा तोड़फोड़ करते रहे। वहाँ की इस जो केबिन है उसको जला दिया गया है। उसके बाद ये धुआं है, दिखाएं जैसा धुआं है, ये उन्हीं के द्वारा सारा कुछ किया गया, जलाया गया है। और ये प्लांट का मुख्य एरिया है जहां पर जलाया गया है। इसके पीछे मेरे पीछे ये जो गाड़ी है, उस गाड़ी की तरफ जरा हम जाएंगे, जरा कहें कि वो गाड़ी है, जो गाड़ी को फूंक दिया गया है, वो सामने जो धुआं उठ रहा है वो किसी शेड से उठ रहा है, फूंक दिया गया है। यहां पर ये गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ इसके जलते हुए। आप वीडियो देख सकते हैं कैसे ये गाड़ी जल रही थी। और ये लगातार जो काफी हंगामा काफी तेज हुआ था, लोग जो किसान थे वो इस जगह पर काफी जमे हुए थे और पूरे चौसा का जो पावर प्लांट था उसको फूंकने की तैयारी थी किसानों के द्वारा। दरअसल किसानों की नाराजगी तब सातवें आसमान पर पहुंच गई जब पुलिस ने रात के अंधेरे में घरों में घुसकर लाठियां बरसाई। आप इस वीडियो में पुलिस की बर्बरता के सबूत देख सकते हैं। उधर पुलिस कहती है आरोपियों को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर हमला होने के बाद कार्रवाई की गई। किसानों ने अपने घरों के बाहर सीसीटीवी लगा रखा था। 11 बज रहा था, 11:30 इसी में पुलिस प्रशासन बहुत बल दल के साथ आई और गेट हमारा पीटने लगे। दो चार सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए, चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का उसको भी पकड़ लिए। और जब हमारी औरतें हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उस उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। पुलिस की कार्रवाई के बाद किसानों ने मोर्चा खोल दिया और रात भर बवाल करते रहे। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियाँ भी चलाई गई है, क्या इसमें सर इतनी जानकारी नहीं है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कोशिश कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चौसा में SJVN के पावर प्लांट के लिए किसानों का भूमि अधिग्रहण 2010-2011 से पहले किया गया था। उस वक्त किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया था। 2022 में किसानों की जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हुई तो किसानों ने वर्तमान दर के मुताबिक मुआवजे की मांग की। मुआवजे की मांग को लेकर पिछले दो महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। बक्सर से भूपेंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मुआवजा मांग रहे थे किसान पिछले 5 महीनों से पलिका जी, लेकिन हालात आज ऐसे हो गए हैं, जबरदस्त हंगामा। बिल्कुल, और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और ताजा स्थिति क्या बनी हुई है सीधा आपको हमारे सहयोगी सुजीत झा के पास हम ले जाते हैं। सुजीत, आप हमें अगर तस्वीरें दिखा सके और दर्शकों को ताजा अपडेट दें कि किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां बनी हुई है, क्या शांति बहाली हो चुकी है, क्योंकि जबरदस्त तस्वीरें वहां से हंगामे की आ रही थी। बिल्कुल, और वो जो हंगामा था वो कल रात में जिस तरीके से पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की, किसानों के घर में घुसकर मारपीट की, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उसी के आक्रोश में आज सुबह जो किसान थे उन्होंने पावर प्लांट पर हमला कर दिया और करीब आधा दर्जन गाड़ियों को आग लगा दी, उसके केबिन को जला डाला, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी स्थिति शांति बनी हुई है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जिससे अभी तो शांति दिखाई दे रही है लेकिन अंदर ही अंदर आक्रोश जरूर सुलग रहा है जिस प्रकार से ये घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 86 दिनों से किसान आंदोलन पर बैठे हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे, और जो SJVN
जो पावर प्लांट है वो 2011 से उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया था, लेकिन अभी जो 2022 में जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं वो 2011 के जो राशि थी, जो उसका मूल्य था, उससे भी कम मूल्य दिया जा रहा है। यही कारण है किसान इसके विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी एवज में 9 तारीख इनके तीन नेताओं को गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। तब किसानों ने फिर जो पावर प्लांट है उसके मेन गेट पर ताला लगा दिया, और उसी में जब पावर प्लांट ने जो FIR दर्ज कराई किसानों पर, उन किसानों को गिरफ्तार करने रात में पुलिस गई, और जिस प्रकार से आतंकवादी को पकड़ा जाता है उस प्रकार से कार्रवाई करते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए और महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करते हुए गिरफ्तार करने गई थी, जिसके वजह से पूरा इलाका जो है काफ़ी आक्रोशित है। और अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति जरूर शांत है, लेकिन आक्रोश अंदर ही अंदर उबल रहा है। जी शुक्रिया सुजीत ताज़ा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है, हिंसक झड़प हुई है किसानों और पुलिस के बीच में, रहेगी इस पर नजर और अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर आशुतोष। बिल्कुल शुक्रिया मलिका। बात करते हैं उत्तराखंड जोशीमठ की। जोशीमठ के हालात लगातार डरावने वाले हैं, लोग काफी परेशान हैं। देखिए SDRF की टीमें तैनात हैं बुलडोजर लेकर, वो एक्शन में आना चाह रहे हैं, लेकिन लोग अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस वक्त महिलाओं की बात करें तो अच्छी खासी तादाद उनकी है, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए वो सड़कों पर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और कड़ाके की भीषण ठंड में भी वो सड़कों पर लेट रही हैं। प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इस वक्त अपने हक को लेकर ये आवाज बुलंद की जा रही है जोशीमठ के लोगों के जरिए। देखिए ये 10 तस्वीरों को अभी आपके सामने रख रहे हैं, इसके माध्यम से आप समझ लें पूरी कहानी क्या है। होटल बलारी से शुरुआत, सरकार पर ये गुस्सा, रोष, आक्रोश, होटल के बाहर धरना प्रदर्शन, आपदा राहत सामग्री गिराई जाएंगे, 687 मकान, लेकिन SDRF की टीम वहां पर मौजूद है, एक्शन में बुलडोजर, लेकिन उस पर अभी रोक है पूरी तरह से, और लोग किस तरह से अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको स्पेशल। दर्द है, निराशा है, और आक्रोश है। जोशीमठ में प्रशासन ने बैठक बुलाई थी कि कोई समाधान निकले, लेकिन मीटिंग के बाहर आते ही होटल मलारी के मालिक ठाकुर सिंह राणा फूट फूट कर रोने लगे। अभी लोग उन्हें सांत्वना दे ही रहे थे कि ठाकुर राणा के परिवार की महिलाएं सड़क पर लेट गईं। जोशीमठ में जिला प्रशासन, धामी सरकार और स्थानीय लोगों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देखिए मलारी होटल के जो मालिक हैं वो सड़क पर आकर बिल्कुल लेट गई और रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। इस वक्त ये हालात तब हुए हैं जब एक मीटिंग चल रही थी प्रशासन के साथ, और उस मीटिंग में संभवतः इन्हें जो संतुष्ट करने वाला जवाब था, कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट होना था, वो इनको नहीं मिला, उससे वो आश्वस्त नहीं हुए। दरअसल होटल मलारी और होटल माउंट व्यू पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन तय कर दिया था, लेकिन इससे पहले मुआवजे को लेकर बात अटक गई। तो क्या मांग लेकर के बैठे, क्योंकि ये तो कह तो रहे वही बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग, हमारी वही मांग है। और सेटलमेंट वाली जो व्यवस्था है वो लंबी हो सकती है, अब तत्काल में जरूरत यह है कि आप लोग यहाँ से जाएं, कम से कम जान को खतरा ना हो। जी 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 नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पूरे जितने हजारों हजार लोग बेघर हो चुके हैं उनका बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट हो जाए, तो ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी से दूसरे को खतरा हो रहा है तो वो हो जाना चाहिए। प्रशासन के साथ बात नहीं बनी तो फिर लोग दोनों होटल के बाहर धरने पर बैठ गए। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे हमारे जान ही क्यों नहीं चले जाए। सरकार हमारे कहा ना मान ही नहीं रहे, हमें क्या मांग रहे हैं, हमारे मांग ही पूरे नहीं हो रही, हमारी मांगे पूरी होगी तो हम क्यों बैठे यहाँ पे। क्या मांग
क्या मांग रहे हैं? हमें जो हमारे होटल के पूरे वो है उनको पूरा उनका पूरा वो होना चाहिए, तभी हम उठेंगे यहाँ से। जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर का दस्ता तैयार है। 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता खड़ी हो गई। जोशीमठ के लोग अड़ गए, अपना हक मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुआवजा दो, नए घर की गारंटी दो, तभी आशियाने पर हाथ लगाने देंगे। कल भी प्रशासन ने 1,30,000 के 10 लोगों को चेक बांटे 13 लाख रुपए के, कि 1,30,000 आपका ये क्षति का ये है। तो अगर आप जब लोगों के मकान यहाँ 15-15, 20-20 लाख रुपए के मकान है, आप उनको अगर 1-1 लाख रुपए का लॉलीपॉप पकड़ाओगे तो कैसे चलेगा? इसलिए हम ये कह रहे हैं पहले जो भवन है, जो लोगों के मकान है, इनको आप कितना मुआवजा दोगे ये तय हो, बद्रीनाथ के तर्ज पर उसका मुआवजा तय हो, मूल्यांकन प्रशासन करे। प्रशासन परेशान है, स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने में लगा है। डीएम ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है, ये भी तय किया गया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, भारी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, हथौड़े या ड्रिलर जैसी हल्की मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, जोशीमठ आज तक। तो देख सकते हैं जोशीमठ के हालात आपको लगातार हम तस्वीरें बता भी रहे हैं, दिखा रहे हैं, और हमारे सहयोगी भी तमाम वहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब आशियाना उजड़ता है तो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो दर्द सबसे ज्यादा है अर्पिता। बिल्कुल, और आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जोशीमठ में ही मौजूद है, ग्राउंड से हम तक अपडेट पल पल के पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, अभी आप वहां पर मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी प्रशासन की है और क्या समझाने में अभी तक कामयाब हुए, लेकिन लोगों का विरोध प्रदर्शन तो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, तैयारियां तो सारी हैं, जैसे ही गो अहेड होता है, जैसे बातचीत सफल होती है, ये सारे मैदान में उतर जाएंगे। दो इमारत है, चूंकि मैन्युअली तोड़ना है तो उसमें समय लग सकता है, लेबर जाएंगे, ड्रिलर, ऐसी कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा जिससे कंपन हो, क्योंकि जिन मजदूरों को वहां जाना उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो एक कन्वेंशनल तरीका ही होगा। लेकिन अभी भी सब कुछ पेच इस बात पर फंसा है कि जो लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं उनको मना लिया जाए, और मान मनोबल किस बात की, वो कह रहे हैं कि आप हमसे सब कुछ छीन रहे हैं, इसके बदले में उचित मुआवजा दे दीजिए, विस्थापन के लिए कोई जगह दे दीजिए। सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक जो बात आई है उसमें कह रहे हैं कि 1,30,000 रुपए हम मुआवजा दे देंगे। अब मान लीजिए, क्या उत्तराखंड का कोई बड़े बाबू 1,30,000 रुपए में उसको कहा जाइए लो 1,30,000 रुपए, अपना घर छोड़ो, किसी जगह जाकर के सेटल हो जाओ, सब कुछ कर लो, क्या ये संभव है? बहुत सारे लोग, उनके पास खेत है, अपनी जमीनें हैं, अपने मवेशी हैं, सारा घर का सामान है, 1,30,000 रुपए में क्या वो दूसरी जगह जाकर के बस सकते हैं? और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है, यहाँ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम यहाँ दशकों से रहने आए, कई पुश्तों से रहते हुए आए, आज हमें यहाँ से भले जाना पड़ रहा है, कम से कम इतना ख्याल तो रखिए कि हमारी जिंदगी आगे जैसे यहाँ थी वो वहाँ उतनी दुर्गम ना रहे, कुछ तो आसानी हो जीने की। बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से आप ये तस्वीरें दिखा रहे थे, आप जानकारी दे रहे थे, लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं सईद जी, और ये दिखा रहा है कि उनकी चिंताएं भी स्वाभाविक है। आप उनके घर को तोड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कोई आश्वासन लिखित में या गारंटी तो मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है और चुनौती सरकार के लिए। अर्पिता जी, सीधे हम आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं जोशीमठ में। आशुतोष लगातार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों के दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। आशु, आज की स्थिति इस समय की क्या है? सईद जहां कल थे आज भी वहीं पर हैं। बस एक चीज ये देख पा रहा हूं कि एक के बाद एक कई सारे ट्रक आ रहे हैं, तो वो राहत बचाव सामग्री लेकर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएम रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा है, तो वो ट्रकें यहां पर पहुंच रही हैं सामान लेके। लेकिन इसके अलावा ये बस इतना है कि कल से एनडीआरएफ की एक एक्स्ट्रा टुकड़ी भेजी गई है, वो तैयार बैठे हैं, उनकी सुबह की ब्रीफिंग हुई है, प्रशासन ने जो होटल का मालिक है, आसपास के लोग हैं, उनको बुलाया था, बैठक की, बातचीत की, कुल मिला के समझाने की कोशिश की, आप लोग मान जाइए किसी तरह मान मनोबल हो, वो नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज भी डिमोलिशन की वो प्रक्रिया शायद शुरू नहीं हो पाएगी। बहुत धन्यवाद आशुतोष मिश्रा, हमारे संवाददाता, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा संकट जोशीमठ के लोगों पर है और एक बहुत बड़ी चुनौती लोगों के पुनर्वास की, उन्हें बसाने की सरकार पर। एक और बड़ी खबर बिहार के बक्सर से, जहां किसानों ने जमकर आपको बताया आगजनी की है, हिंसा की है, बवाल मचाया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, उपद्रव की है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई, आरोपों के मुताबिक पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में कई किसान जख्मी हो गए और आक्रोशित किसानों ने सड़क पर उतरकर मोर्चेबंदी की
और कई गाड़ियों को, कई वाहन को आग के हवाले कर दिया है। इसमें पुलिस के जो वाहन हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, वज्र वाहन जो है वो आग के गोलों में तब्दील हो गई। वहीं प्लांट में भी आगजनी की गई, किसानों की भी पिटाई का ये पूरा मामला। जलता हुआ ट्रक आपको नजर आ रहा है, जली हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, शीशा भी तोड़ दिया गया है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त और साथ ही सरकारी जो संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो लाठी चार्ज पर भड़का है ये किसानों का रोष और आक्रोश, मुआवजे की जंग है और पुलिस और किसानों में अब भिड़ंत हो गई। तो ये तस्वीरें बिहार के बक्सर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जी और इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। अश्विनी जी, आपके बक्सर में ये क्या हो रहा है? किसानों पर लाठी चार्ज हो रहे हैं और लाठी चार्ज रात में आरोप लग रहा है, पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। इस कड़ाके की सर्दी में, भीषण ठंड में, जब रजाई के अंदर सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में है, उन पर लाठी चार्ज, आखिर क्या संदेश देना चाहती है राज्य सरकार? अश्विनी जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी अश्विनी जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। बिहार के बक्सर में लाठीचार्ज, हिंसा, आगजनी, किसानों ने तोड़फोड़ की, लेकिन आरोपों के घेरे में सरकार, पुलिस, प्रशासन, उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि लाठीचार्ज पहले किया गया, उसके बाद से आक्रोशित किसानों ने ये जमकर उत्पात मचाया है। देखिए, जिस प्रकार से कल देर रात में और जो हमें सूचना मिली है, जो वीडियो वायरल हुआ, जो पुलिस ने जिस प्रकार से घर में घुस करके और माँ बहनों को भी नहीं बख्शा, बद्दी बद्दी गालियां भी दी और उन पर लाठियां भी बरसाई, ये उचित कदम नहीं था। ये पूरी तरह से अमानवीय और अलोकतांत्रिक था। मैंने SP, DM, कमिश्नर वहां के और क्षेत्रीय DIG सभी आला पदाधिकारियों से मैंने कहा है कि दोषी पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने घर में अनावश्यक देर रात में घुस करके और इस प्रकार की भद्दे कार्यक्रम के और संवैधानिक काम हुआ, ये गलत है। ये नीतीश राज में पुलिस भी गुंडागर्दी पर उतर रहा है तो ये उचित कदापि उचित नहीं है। ये नीतीश जी धृतराष्ट्र बन करके पूरे बिहार का जनाजा पुलिस प्रशासन ने अपने आप को ये कार्रवाई की नहीं होगी, राज्य सरकार का कहीं ना कहीं आदेश तो आया होगा, तभी ये कदम उठाया गया होगा पुलिस की तरफ से। अपील करते हुए कि आप सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी जो अवांछनीय तत्व हिंसा पर उतारू होते हैं, हमें हिंसा से नहीं अहिंसा से ही लड़ाई जीतनी है और भारत सरकार पूरी तरह से मुआवजा देने के लिए तैयार है। भारत सरकार जमीन का उचित मुआवजा भी हमने कंपनी को दिया है। वहां जिला पदाधिकारी जो 2013 का उन्होंने MBR रेट तय किया है, हमने कमिश्नर को कहा है कि उसको रिवाइज करिए और रिवाइज रेट पर अगर किसानों का हक बनता है तो किसानों को न्यायोचित जो उनका मुआवजा जमीन का मिलना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। अश्विनी जी, आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है? कितने लोग इस वक्त चोटिल हैं? कितने किसान जख्मी बताए जा रहे हैं? क्योंकि वो तो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे, मांग नहीं मानी गई लेकिन लाठीचार्ज। हाल फिलहाल बिहार की सरकार में हमने देखा कि कई बार लाठीचार्ज किया गया है, उसमें बच्चों को भी, छात्रों को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं पर भी हुआ, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया और अब किसानों पर फिर से ये लाठीचार्ज। मैंने बार बार जिला प्रशासन को आगाह किया है, मैंने 12 दिसंबर को भी और उसके पहले दिशा की बैठक किया था और किसानों के समुचित मांगों को और खास करके SJVNL जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है SJVNL, किसानों के साथ हर प्रकार का उचित व्यवहार करती रही है और कहीं भी अगर रेट में है तो रेट बिहार सरकार को तय करना है, बिहार सरकार जिला प्रशासन तय करके जो उचित रेट देगा। 4 गुना दाम हमने NH में भी बढ़वाया है और यहाँ भी हमने 4 गुना दाम देने के लिए तैयार है, किसानों का जो दाम है कीमत, लेकिन उनको अद्यतन रेट से कैसे मिले इसकी चिंता वहाँ जिला प्रशासन और राज्य सरकार को करनी है। मैंने कलेक्टर और कमिश्नर को बार बार आगाह किया है और कमिश्नर को मैंने आज भी कहा है कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें और ताकि लोगों को न्याय संगत हो। हमें किसानों से अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी हिंसक तत्व को बढ़ावा ना मिले, इसका हर संभव प्रयास किसान भाइयों को भी करनी चाहिए। अश्विनी जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि क्या पुलिस के सामने और कोई विकल्प नहीं था? क्योंकि पुलिस ने रात में ये कुकर्म किया है, दोषी पुलिस को अविलंब दंडित करनी चाहिए, ये मैंने शासन प्रशासन और DIG, SP और सभी आला पदाधिकारियों को मैंने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।
और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पुलिस का रवैया है उसको आप किस नजर से देखते हैं, जो किसान जो महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस तरह से उनकी आवाज को कुचला जाना क्या सही है? अश्विनी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो वापस हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें हम दिखाते चले। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं इस खबर के लिहाज से, क्योंकि सवाल मुआवजे का है और बक्सर में इस कदर बवाल मचा है, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरह से ट्रक्स आपको जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जली हुई गाड़ियां, बक्सर में इस वक्त बवाल ही बवाल है।